उपायुक्त मंडी ने विभिन्न प्रशासनिक पुलिस अर्धसैनिक और विभागीय अधिकारियों को 8 फरवरी को प्रस्तावित प्रदेश व्यापी मॉक ड्रिल के दौरान पूरी सक्रियता तत्परता और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने चिन्हित स्थानों का जायजा लिया। उपायुक्त मंडी ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है, जिसके अलावा सभी विभागों की भी अपनी अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं। इन योजनाओं में हर विभागीय अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेवारी पहले से ही निर्धारित है। 8 फरवरी को सायरन बजते ही सभी सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में भूकंप से बचाव का अभ्यास किया जाएगा और इसके बाद राहत व बचाव कार्य आरंभ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं। ये अधिकारी अपने अपने स्तर पर टीमों का गठन कर लें। मॉक ड्रिल जो है, जैसे सभी जानते हैं, पूरे हिमाचल में 8 फरवरी को मनाया जा रहा है, जिसमें कि हम अपनी तैयारी देख रहे हैं कि कोई अगर बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर आता है तो हमारा रिस्पांस कैसे रहेगा। तो उस कड़ी में एक हमारे साइट जो हमने आइडेंटिफाई की है, जिसपे कि हम रिस्पांस अपना दिखाएंगे, वो इंदिरा मार्केट है। इसलिए यहाँ पर जो यहाँ के प्रधान हैं और बाकी भी व्यापारी हैं, इनसे बात हो रही थी कि इनको भी बताया जा रहा था कि किस तरह के मॉक ड्रिल यहाँ पर किया जा रहा है और इनका भी सहयोग इसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही मेरी अपील सभी लोगों से होगी कि जब अर्थक्वेक का समय होगा वो हम पहले सूचित कर लेंगे और हमारे साइरन्स भी बजेंगे यहाँ पर डीसी ऑफिस में, तो सभी लोग जो है ड्रॉप कवर एंड होल्ड जरूर करें और कोई जैसे ही कंपन रुक जाएगी वो एक सेफ जगह पर आके खड़े हो जाए, ताकि सभी लोग अपने अपना भी रिस्पांस जो है उसके बारे में तैयारी करें। हमने 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं, अलग अलग स्थान हैं। एक मार्केट जो है वो इंदिरा मार्केट है, जो स्कूल है वो डीएवी स्कूल है खलियार में, जो हमारा रेसिडेंशियल कॉलोनी है वो हमारी जेल रोड की रेवेन्यू रेसिडेंशियल कॉलोनी है, हॉस्पिटल जो है वो हमारा जोनल हॉस्पिटल मंडी है और एक ऑफिस जो हमने चिन्हित किया था वो हमारा आईपीएच का ऑफिस है जो टारना रोड पर है। तो ये 5 लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की है, प्लस हमारा जो स्टेजिंग एरिया है जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होंगे बिफोर रिस्पॉन्स, वो पड्डल में होगा। तो जब डायरेक्शन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि कब जैसे इसको एक्टिवेट करना है, तो उस हिसाब से हमारी सभी टीम्स एक्टिवेट हो जाएगी।